नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बांग्लादेश अपनी आजादी का मना रहा है 50वां साल। इस अवसर पर ढाका में आयोजित राष्ट्र दिवस मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सदैव बांग्लादेश का बना रहेगा भागीदार। असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल। इस चरण में 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के किए कड़े प्रबंध। ईटानगर में राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने प्रधानमंत्री विकास आयुष योजना और बायर सेलर्स मीट का किया उद्घाटन। वैज्ञानिकों से राज्य में उपलब्ध औषधि पौधों के बारे में विश्वसनीय आंकड़ा तैयार करने का किया आह्वान। बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां साल मना रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर आज राजधानी ढाका में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में दोनों भारत और बांग्लादेश देशों की सेना के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा, क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए बंगबंधु और लाखों बांग्लादेश देशभक्तों और हजारों भारतीयों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक यादगार वर्ष में हम भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और अखोड़ा अगरतला रेल लिंक जैसे महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रहे हैं। संपर्क के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार के व्यापार और भागीदारी मजबूत होगी तथा सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों जैसे समाधान में द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि एक बार फिर वो समय है जब भारत बांग्लादेश भागीदारी बंधु की साहसिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है। गौरतलब है कि आज बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की जन्मशती मनाई जा रही है। और मजबूत कर रहा बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के सुरवीरों को। ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती है। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने म्यांमार की सीमा से लगे चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर क्षेत्र की विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने नामदफा नेशनल पार्क में बिग कैट के चारों प्रजातियों लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड को देखा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक और राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग के साथ नामदफा पार्क में हाथी की सवारी की। श्री खांडू ने राजनीतिक और पर्यटन के नजरिया से महत्वपूर्ण 157 किलोमीटर लंबी मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना के प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि विजयनगर तक मार्च 2022 तक मोटरेबल मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत एम्पेन रिवर पर निर्माणाधीन आरसीसी ब्रिज का भी निरीक्षण किया। चांगलांग दौरे के तहत श्री खांडू ने आज देवन विलेज के बच्चों के साथ बातचीत की और स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
असम में निर्वाचन आयोग ने शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस चरण में 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खरे ने कहा है कि इस चरण में 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार चुनाव में मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि इस चरण के लिए 11,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड से संबंधित सभी मानकों का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का निर्णय लिया है। कोविड महामारी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1,000 मतदाताओं को आने की अनुमति दी है। आयोग ने कोविड संक्रमित या संदिग्ध और दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था की है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग बुजुर्गों सहित आम मतदाताओं के लिए आवश्यक जनसुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन तथा मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाने की भी विशेष रूप से व्यवस्था होगी। असम के धेमाजी जिले में जिला प्रशासन ने नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक अनोखी पहल की है। धेमाजी के चुनाव अधिकारी ने बताया है कि प्रशासन ने पहली बार मतदान कर रहे युवाओं से वोट देने के बाद सेल्फी लेने और उसे जिला प्रशासन को भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी विजेता को एक दिन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाएगा। प्रशासन ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे नए मतदाताओं को मतदान करने की प्रेरणा मिलेगी। धेमाजी में लगभग पहली बार वोट देने वाले 6,000 नए मतदाता हैं। निजोर वोट दान वोट केंद्र मुख्य जी इंकर लग जो फोटो लय सेल्फी लय और डेप्टी कमिश्नर धेमाजी पेज जो टैग क्या पीछे आम लकी ड्र कर पे एजन लकी विनर कमी एक दिन कारण असिस्टेंट कमिश्नर लाइफ एक्सपीरियंस कर चांस दी एक कल अनाउंसमेंट एट और लोगों विशेष आम टार्गेट कर 18-35 इयर्स एज ग्रुप और टाउन एरिया बिकज जो आम एनालिसिस मत कम परसेंटेज पाई ये टार्गेट कर आगते किसान शपथ ग्रहण और ह्यूमन चेन एट बनाई आमार वोट आमार फ्यूचर निर्भर करिबो आमार वोट आमार भविष्य निर्भर करिबो तेने कोटे कॉन्सेप्ट होइसिले। ईटानगर में आज आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने प्रधानमंत्री विकास आयुष योजना और बायर सेलर्स मीट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर JLN शास्त्री और कई साइंटिस्ट मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री नातुंग ने वैज्ञानिकों से प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध औषधीय पौधों का सही आंकड़ा तैयार करने और उनके संरक्षण के अलावा मार्केटिंग पर भी जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अनोखा अभियान अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान चला रही है और बड़े पैमाने पर लोगों को अपना एयरगन सरेंडर कर वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंडिया में से सबसे ज्यादा काम बोलेगा टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में से सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकली एंड फॉरेस्ट कवरेज बोले जाते अरुणाचल प्रदेश। अपना यह इतना अभी यह हमारा ये सीओ साहब ने दिया कि यहाँ में क्या 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 मेडिसिन पाया जाता है जो अभी तो हम लोगों ने डिस्कवर किया। अरुणाचल प्रदेश ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है, ऐसा राज्य है जो हमारे पास बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है और जड़ी बूटी मेडिसिन दुनिया भर का है जो हम लोग उसको पहचानता नहीं है। अपना चीज को आप डिस्कवर कीजिए, आप साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ कर काम अच्छा करिए, हम साथ में हैं, हम साथ हैं, हमारा भारत सरकार बिल्कुल साथ में है। साथ साथ में हमारा जो यहाँ का सीओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शास्त्री जी ने दिल्ली से तो सीधी इस समय कह दिया कि आपका यहाँ में फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है।
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई संगठनों द्वारा आज बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद का अरुणाचल प्रदेश में कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। राज्य के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य रहा। सड़कों पर वाहनों का आवागमन हर दिन की तरह जारी रहा और दुकानें खुली रहीं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की कल बोमडिला में बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरूराम वाघे ने अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जागरूक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि विकास का लाभ सभी वर्ग तक पहुँचे और वे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक होना जरूरी है। श्री बाघे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से निजी हितों से ऊपर उठकर गरीब, कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिस तरह से इस बार आया है, ये किसका मेहनत पर है? अपना कार्यकर्ता आप लोग हैं, आप लोगों का वजह से जो एक चेंजेस लाना है, आप लोगों ने डिटरमाइन करके दिया है, वो उसी का बलबूते पे हुआ है। हम ताकि कैंडिडेट को भी हम कन्विंस कर सका, हम वोटर्स को भी कन्विंस कर सका, तो इसका वजह से आज ये रिजल्ट है। इसलिए हमको पार्टी में काम करना, ये मत सोचो कि पार्टी में काम किया तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं। यहाँ मर्द लोग है तो उनको भी उनका बीवी बोलेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड बोलेंगे। हमें भी बोला है कि क्या दिन रात पार्टी पार्टी करते रहते हैं, पार्टी मिलता क्या है, ये बोलेगा। अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की नेतृत्व में राज्य में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी केंद्र सरकार के परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के बोरगोली में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा है कि असम के मुर्कोंगसेलेक से लेकर पासीघाट, नामसाई और परशुराम कुंड के बीच रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है और सर्वे कार्य जारी है। उन्होंने कहा है कि भालुकपोंग से तवांग के बीच भी रेल लाइन परियोजना के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है और राज्य सरकार इस परियोजना के लिए रेलवे के साथ पूरा सहयोग कर रही है। रेलवे हाईवे साहब के निधन में प्रदेश का जितना विकास हुआ मन से बताइए। इस जो अब पासीघाट, नामसाई और या परशुराम कुंड, उसका भी भारत सरकार ने, इसका भी रेलवे का सेंक्शन हो चुका है, इसका भी सर्वे हो रहा है। जुलाई से लेकर ये जो रेलवे जो ये पासीघाट से मेवो होके परशुराम कुंड, नामसाई होके इसका भी। देश में अब तक 5,55,04,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटों में 59,111 नए मामले सामने आए और 32,937 रोगी स्वस्थ हुए। कल कोविड से 257 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और सक्रिय मामलों की संख्या 1 है। कल कोविड जांच के लिए 240 सैंपल एकत्रित किए गए। दांडी यात्रा के 14वें दिन की सुबह महात्मा गांधी समनी से देरोल के लिए निकले। करीब 20 किलोमीटर का फासला तथा गांधी जी साथी पदयात्रियों के साथ गांव से गांव गुजरते, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते देर शाम देरोल आए और कटान प्रोसेसिंग मिल में काम कर रहे मजदूरों के लिए रहने के लिए बनाए कमरे में रात्रि विश्राम किया। पेश एक रिपोर्ट। 25 मार्च 1930 की शाम गांधी जी समनी से देरोल आए। आज भी वो निशानी बाकी है जहां कॉटन जिनिंग मिल के मजदूरों के बनाए कमरे में गांधी जी रात में रुके थे। रात्रि में भोजन के बदले फलाहारी किया गया और मिल में काम कर रहे मजदूरों को दांडी मार्च का अर्थ समझाया गया। गांधी जी जब दांडी यात्रा पे निकले थे तो वो हमारे गांव में रात रुके थे और ये जो जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी त्रालसामद है, इसके लेबर क्वार्टर में गांधी जी रुके थे और
गांधी जी ने गांव में से बकरी मंगाई और बकरी का दूध पिया और फिर फलाहार किया। गांधी जी के बताए पथ और दांडी मार्च में शामिल हर पदयात्री के दिल में उमंग। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।